बाबूजी श्रीलाल जी जोशी, इनको पद्मश्री मिला है और इन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय एक फड़ कला के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन दिया है और उनकी एक पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये उनकी तीसरी एक वार्षिक कला प्रदर्शनी में रखी है। इसमें अपने इंडिया से जैसे अपने यहाँ की प्राचीन आर्ट है फड़ पेंटिंग, उसी तरह हर स्टेट से यहाँ वो प्राचीन आर्ट हमने यहाँ मंगाई है। यहाँ के लोगों को भी एक नई चीज़ देखने को मिले, इसलिए हमने से मधुबनी है बिहार की, गौड़ पेंटिंग है मध्य प्रदेश की और इसी तरह से अलग अलग स्टेट की सभी विधाएँ यहाँ है और हमारे और यहाँ के लोकल कुछ कलाकारों का भी एक काफ़ी समूह है इससे हमसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक बाबूजी की स्मृति के उपलक्ष्य में कि आयोजन रखा गया है, इसमें कम से कम 80 लोगों के कलाकारों द्वारा पेंटिंगें डिस्प्ले की गई है और भीलवाड़ा शहर के लिए एक अच्छा अवसर है को अपना समय निकाले और इस प्रदर्शनी को देखने का पूरा पूरा प्रयास करें। जो चीज़ यहाँ उनको देखने को मिलेगी उनके लिए शायद एक अच्छा अवसर होगा कि जो शायद उन्होंने एक ही मंच पे इतनी सारी कलाएं एक साथ देखने का उनके लिए बड़ा अच्छा सौभाग्य होगा। वो अपना एक इस आर्ट गैलरी में आए और इस बाबूजी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो आयोजन रखा है और जो कुछ कलाएँ हमने यहाँ जो बाहर से और भी कलाकारों के द्वारा जो यहाँ उनकी कलाकृतियाँ डिस्प्ले की है, कृपया वो सभी लोग यहाँ के शहरवासी यहाँ आके देखें। सर ये हमारी जो कला प्रदर्शनी है 21 तारीख तक रहेगी और इसका ओपनिंग का टाइम मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा सभी शहरवासियों से, ये उनके लिए अच्छा अवसर है, वो अपना समय निकालें और इस आयोजन का आनंद लें।